स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 आ गया, काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जुड़ी है इसके साथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर भी वैसी हीटिंग देखने को मिलेगी जैसी 888 और 8 जेन 1 में थी। एग्जैक्टली मैं कहानी थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंट है यहाँ पे। सबसे पहले ये समझ लेते कि क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 में एग्जैक्टली में इंप्रूवमेंट क्या लाया। अगर बात करूं इंप्रूवमेंट की, 20% इसकी एफिशिएंसी में इंप्रूव किया, प्लस 30% ज्यादा फास्ट किया। हालांकि बात करें तो ऑलरेडी 8 जेन 2 प्रोसेसर इतना फास्ट था कि उसके अंदर इतना बड़ा चेंज लाने के बावजूद भी शायद बेंचमार्किंग के अलावा आपको कहीं भी फर्क देखने को ना मिले। हालांकि इस बार जो स्नैपड्रैगन की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है जनरेटिव AI, यानी कि AI के कुछ फीचर्स यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर बिल्ट इन कर दिए। आपको शॉर्ट में समझाता हूँ एग्जैक्टली में क्या है। आपने यहाँ पे चैट GPT देखा होगा, गूगल का बार्ड देखा होगा, वैसी AI टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के अंदर रहेगी और ये इंटरनेट की वजह आपके मोबाइल फोन पर ही रन कर सकती है और इसके साथ ही आपको पर्सनलाइज रिजल्ट दे सकती है मोबाइल फोन के बाकी सेंसर्स का यूज करते हुए, जैसे कि GPS की बात करें, Wi-Fi, Bluetooth, लोकेशन, इन सब का यूज करके आपको एक्यूरेट और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको सिर्फ एक चैटबॉट देखने को मिलेगा जो उनसे डिवाइस पर रन करेगा। ये चैटबॉट वॉइस असिस्टेंट की तरीके से भी काम कर सकता है, यहाँ पर फोटोज और वीडियोज के अंदर भी काम करेगा। जैसे की बात करें गूगल के पिक्सल फोन में मैजिक इरेजर आता ना, फोटोग्राफ में से आप कोई भी चीज को रिमूव कर सकते हैं और इस चीज को क्वालकॉम नेक्स्ट लेवल पे लेगा और वीडियो के अंदर आप इरेज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोई फोटोग्राफ आपने ली उसको अगर जूम आउट करना चाहते हैं, भले ही अल्ट्रा वाइड एंगल से नहीं ली गई हो, लेकिन फिर भी जनरेटिव AI का यूज करके एक्स्ट्रा इमेज ऐड की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर आपको खुद का वॉलपेपर बनाना है तो खुद का आप कस्टमाइज वॉलपेपर बना सकते हैं और ये सब डिवाइस के अंदर जो AI है वो यहाँ पे काम करेगी। और यही इस बार सबसे बड़ा हाईलाइट था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 का, जो कि आपको 2024 के फोन्स में देखने को मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि फीचर्स क्वालकॉम बहुत ज्यादा डालता है। हर साल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में आपको बहुत कमाल की चीजें मिलती है, लेकिन कंपनी वाले जब मोबाइल फोन बनाते हैं ना तो चीजें बिल्कुल अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर ले क्वालकॉम यहाँ पे सारे फीचर्स इंप्लीमेंट नहीं होते। मतलब कि बहुत सिंपल सा फीचर की बात करूं, कई सालों से डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर अवेलेबल है और अभी कुछ ही गिने चुने फोन में आपको डॉल्बी विजन HDR में वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जो क्वालकॉम ने इंप्लीमेंट करी और अभी तक उसको मोबाइल फोन कंपनीज इंप्लीमेंट नहीं करती। और उसका सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे हर एक फीचर के लिए कई बार क्वालकॉम एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है, जिस कारण से कंपनियां सारे फीचर्स को इनेबल नहीं कर पाती और सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ही कंपनियां यहाँ पे खेलती है। और देखा तो क्वालकॉम के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो है उसकी चिप्स की प्राइसिंग। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 की ऑन एन एवरेज जो प्राइस है ना, वो $160 से लेकर $190 के बीच है। बेसिकली कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं रहती, ये प्राइसिंग रहती है कि कंपनी कितना बड़ा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रही है, जिस कारण से यहाँ पे मोबाइल फोन की काफी बड़ी जो वैल्यू रहती है वो एक चिप के अंदर जा रही है। और जिस कारण से 8 जेन 3 के जो फोन्स होंगे उनकी कीमत आप समझ सकते हैं कि 60,000 के पार ही जाएगी। मेरे को लगता है कि 65,000 से इसके फोन शायद शुरू हो सकते हैं और यहाँ पे कंपनी 5,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट वगैरह देके इसको 60,000 के मार्क तक ला सकती है। लेकिन फिर भी इसमें काफी जगह ये लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, सारे फीचर्स को इंटीग्रेट ना करें। ऊपर से एक और बात यहाँ पे, क्या आपको मालूम है कि क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 यहाँ पे 4nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है TSMC की। अब इसके पीछे का रीजन भी मैंने पता लगाया जो शायद आप कहीं और पता ना लगा पाओ, और उसके पीछे रीजन है कि TSMC के 3nm की जो टेक्नोलॉजी पे जो चिप्स बनी है उसमें से 85% जो चिप्स है ना वो यहाँ पे एप्पल खरीद चुका है। और एप्पल ने अपने A17 Pro Bionic में तो इसे यूज किया है, लेकिन इसका यूज अपकमिंग M3 चिप के अंदर भी करने वाला है जो मैकबुक के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि एप्पल क्या कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा देके सारी चिप्स अपने अंडर ले रहा है और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर लगा रहा है और उनको बेटर बनाने में कर रहा है, और जो बचा 15% है ना वो यहाँ पे दूसरी कंपनी के पास गया। और इसी वजह से स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 अगर आप देखेंगे तो क्वालकॉम को जल्दी रिलीज करना था और उसके पोस्ट भी कंपनीज को जल्दी निकालने थे, इसी साल वो 4nm की टेक्नोलॉजी पर लिया है। और आप खुद देख सकते हैं कि चाइना में तो उसके फोन्स लॉन्च होना शुरू हो भी चुके, Xiaomi 14 आपको देखने को मिल ही रहा है, इंडिया का जो पहला फोन होगा वो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला जो कि होगा iQOO 12 यहाँ पे, और फिर अगले साल S24 की लाइनअप आएगी, फिर आपको OnePlus 12 भी देखने को मिलेगा, ऐसे काफी सारे फोन है। लेकिन प्रॉब्लम वही है यार, कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और एक और बात बता देने वाला हूँ Mediatek से रिलेटेड। देखो क्वालकॉम Mediatek की लड़ाई चलती रहती है और हमें पता है कि Mediatek से लीड लेना चाहती थी स्नैपड्रैगन, इसलिए उन्होंने प्रोसेसर निकाल दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि Mediatek भी यहाँ पे Dimensity 9300 पे काम कर रही थी
और सुना है कि वो चिप यहाँ पे 3nm की हो सकती है और मीडियाटेक ने कंफर्म कर दिया है कि वो अगले साल 3nm वाले प्रोसेसर के बेस्ड फोन यहाँ पे निकालेंगे। तो हो सकता है कि मोस्ट लाइकली मीडियाटेक भी अपना चिप यहाँ पे शोकेस कर दे, लेकिन TSMC से जब इन्हें 3nm का प्रोसेसर मिलेगा अवेलेबल, तब ये लोग अगले साल अपने मोबाइल फोन्स के अंदर ये चीज डाल पाएंगे। यानी कि Dimensity वाले भी फोन्स आएंगे, लेकिन 3nm के साथ वो काफी ज्यादा लेट होंगे। तब तक जो Qualcomm है वो मार्केट में एक लीड ले चुका होगा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है कि चलो यहाँ पे Snapdragon के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, मीडियाटेक के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, वो भी आपको बता सकता हूँ। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत मीडियाटेक के साथ ये कि उसके प्रोसेसर को वो रीब्रांड कर रही है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी अच्छे प्रोसेसर निकाले, लेकिन एक प्रोसेसर को एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, अलग अलग नाम से अपनी पूरी नेमिंग स्कीम चेंज करके आपको वही चीज दे रहे हैं। और ये एक दिक्कत है क्योंकि देखा जाए तो जो कंपनी अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सिर्फ फ्लैगशिप प्रोसेसर के ऊपर काम कर रही है, जबकि मेजॉरिटी जो मार्केट होता है ना वो होता है 30,000-40,000 के बीच में, और वहां पे अब धीरे धीरे जो अच्छे प्रोसेसर होते हैं उनकी कमी पड़ती जा रही है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको अच्छे प्रोसेसर वाले फोन देखने को मिलते ही नहीं है, मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या रहती है, उनके अंदर जो प्रोसेसर होता है कम से कम कई बार एक साल पुराना आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के लिए क्या है कि सिर्फ मोबाइल फोन पर अच्छा प्रोसेसर नहीं लगाना, अब वो कोशिश कर रही है कि मोबाइल फोन के अंदर अब हमें आईपी रेटिंग देनी है, यहाँ पे कर्व डिस्प्ले देना है, बड़ी बैटरी देनी है, फास्ट चार्जिंग देनी है, ग्लास बिल्ड देनी है, कैमरा देना है, उसमें OIS भी देना है। तो कंपनीज के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है प्राइसिंग को जस्टिफाई करना। इन सारे फीचर्स पे फोकस करने के कारण कंपनीज जो है जो लोअर प्राइस टेक के जो चिप्स होते हैं उनको यहाँ पे यूज कर रही है, और इसी वजह से मीडियाटेक रीब्रांडिंग वगैरह यहाँ पे कर रही है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो मोबाइल फोन के प्रोसेसर्स होते हैं अगर इनके रेट अगर आने वाले टाइम में यहाँ पर कम होते हैं तब जाके हमें कुछ चीजें यहाँ पर देखने मिलेगी। और बेसिकली आज के समय में चिप कंपनीज अब परफॉर्मेंस से ज्यादा थोड़ा AI पे फोकस कर रही है। अब देख रहे हैं कि ये AI एग्जैक्टली में मोबाइल फोन्स में किस तरीके से काम करते हो, कहीं गिमिक तो यहाँ पे साबित नहीं होती। अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स होंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि एप्पल लेवल की प्राइसिंग को मैच करते, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। बाय द वे, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, देखने के लिए मैं आप सुन लूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।